हाय गाइस, वेलकम टू कुक सुखमी श्वेता। आज की रेसिपी है ब्लैक फॉरेस्ट केक। चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है 2 कप शुगर पाउडर, ये है 1 कप, ये है मेल्टेड बटर, ये है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, ये है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, ये है 3 चम्मच कोको पाउडर, ये है डार्क चॉकलेट, ये है 1 चम्मच विनेगर, ये है 2 चम्मच रिफाइंड, ये है फ्रेश क्रीम, ये है 300 ml दूध, चॉकलेट सिरप है, ये वनीला एसेंस है, ये 3 कप मैदा है, ये बटर पेपर है, ये मोल्ड है केक बनाने का। तो चलिए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैदे को छन्नी में डाल दें। कोको पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है। अब इसको पहले हम छान लें, तब इसमें हम शुगर पाउडर मिक्स करेंगे। ये छन चुका है, इसमें हम शुगर पाउडर अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लें। शुगर पाउडर को इसमें हम डाल दिए हैं, ये पहले अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर चुके हैं, अब इसमें हम लिक्विड इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। पहले हम पानी डालते हैं, अब इसमें हम बटर मिक्स कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे। थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना है और इतना ध्यान देना है कि इसमें गुनगुना दूध मिक्स करना है। अब इसमें हम 1 चम्मच वनीला एसेंस, वनीला एसेंस इसमें हम मिक्स कर दिए हैं, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हम मोल्ड में डाल देते हैं। तो हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं मोल्ड को। अभी से हम ग्रीस कर दिए हैं, अब इस पर हम बटर पेपर लगा देते हैं। हम माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर देते हैं। बटर पेपर को भी ऊपर से हम ग्रीस कर दे रहे हैं, इससे केक अच्छे से छोड़ देता है। अब इसे हम मोल्ड में डाल देते हैं, एक बार टैप कर लेंगे कि इसमें बबल ना बने। अब इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। माइक्रोवेव बंद हो चुका है, ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये साइड से बिल्कुल छोड़ चुका है, ये बन चुका है और ये बहुत ही स्पंजी हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम थोड़े देर में डेकोरेट करेंगे। क्रीम व्हिप हो चुका है, क्रीम व्हिप हो चुका है, अब तो चलिए अब हम केक को डेकोरेट कर लेते हैं।
इसे हम चेरी से सजा लेते हैं। अब दूसरा पर्स हम इस पे लगा रहे हैं। अब इसे हम क्रीम और चॉकलेट सजा दिए हैं चेरी से भी। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो सिर्फ आप क्रीम और चेरी से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।